हाय एवरीवन, एक नए वीडियो में स्वागत है फ्रेंड्स। ये जो मेरे पास अपाची 160 है गाड़ी, मेरे पास इसमें मीटर में एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो इसका मीटर हो गया डेड। ये BS4 का गाड़ी है, BS3 नहीं है, BS4 ABS मॉडल का गाड़ी है। तो इसका मीटर हो गया खराब। मैं दूसरा गाड़ी से BS3 वाला जिसमें नॉन ABS मीटर का है वो मीटर खोल कर रखें, इसमें वर्क कर रहा है कि नहीं ये चीज़ बताएंगे फ्रेंड्स। अभी बाय द वे कभी आप लोग भी फंसे तो ये मीटर लगा करके, नॉन ABS वाला मीटर लगा करके काम चला सकते हैं। अगर नहीं मिले, अगर मिले ना मिले तो उसमें नॉन ABS वाला मीटर इसमें लगा करके काम चला सकते हैं। तो चलिए, मैं एक दूसरे गाड़ी से खोल के रखा है ABS, नॉन ABS वाला मीटर, इसमें लगाते हैं और दिखाते हैं आप लोग। तो गाइस, आप लोग थोड़ा सा नज़दीक आइए ताकि अच्छे से आप लोग को दिखा पाए और देख पाए। ये मीटर मेरा हाथ में जो देख पा रहे हैं ये डेड है पूरा पूरी, और ये मीटर मैं लगाने वाला हूँ इसको। तो चलिए मैं लगाता हूँ। जस्ट इसको लॉक, ये सर क्लिप है, इस क्लिप को जोड़ना है इस पे। इसको रखते हैं साइड में और लगाते हैं इसको। यहाँ पे जेक जोड़ देना है ऐसे, कुछ तो है नहीं, बस इसको जेक जोड़ना है। अब देखते हैं इसका वर्क करते हैं। चाबी कहाँ दो चाबी, ये चाबी रहा फ्रेंड्स, इसमें लगाते हैं। ये देखिए मीटर हमारा ऑन हो गया। वैसे तो इसमें फर्क क्या है, इसमें वाइट स्क्रीन का लाइट रहता है, इसमें ब्लू लाइट है। और इसमें सारा चीज, ये RPM मीटर भी देख लेते हैं एक बार काम कर रहा है। ये RPM मीटर भी काम कर रहा है, किलोमीटर भी वर्क कर रहा है। तो चक्का व्हील घुमा के देखना होगा। तो इसमें फर्क है, इसमें जो तीन सिंबल है, एक बैटरी है, एक सर्विसिंग है, फ्यूल है। और जो ABS वाला में रहता है इसमें एक चीज ज्यादा रहता है, ये जो ABS का सिग्नल है इसमें है नहीं। तो सारा चीज मेरा वर्क कर रहा है। यहाँ पे देखिए किलोमीटर भी वर्क कर रहा है, फ्यूल में फ्यूल का गैस भी दिखा रहा और टाइम भी दिखा रहा, इसमें जीरो है। अब गाड़ी को चक्का व्हील घुमा के देख लेते हैं इसमें वो वर्क कर रहा है कि नहीं, और उसके बाद स्टार्ट करके देखेंगे ये RPM मीटर की मीटर वर्क कर रहा है। तो चलिए मैं सामने का व्हील घुमाते हैं, चक्का एक बार घुमाना है। तो चक्का एक बार घुमा लो व्हील को। अरे बुड़बक, उल्टा जाओ। चलो व्हील को घुमा लो थोड़ा सा। ये देखिए फ्रेंड्स, 8 उड़ गया, 9 उड़ गया। अरे थोड़ा सा जोर से घुमाओ ताकि लोगों को समझ में आए ये वर्क कर रहा है। देखिए फ्रेंड्स, ये वर्क कर रहा है, मतलब ये सही है, मतलब एडजस्टेबल है। ये BS3 नॉन ABS वाला मीटर है, एडजस्टेबल है। अब जस्ट इसको देख लेते हैं ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो गाड़ी का चल लेते हैं स्टार्ट। तो गाइस ये देख पा रहे हैं RPM मीटर भी काम कर रहा है, थोड़ा सा एक्सीलेटर करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये न्यूट्रल लाइट भी जल रहा है, पार्किंग भी जल रहा है, इंडिकेटर भी सारा चीज काम कर रहा है। इसका मतलब परफेक्ट ये सेटिंग हो गया। वैसे तो एक चीज इसमें नहीं रहा, ABS ब्लिंकर। ABS का जो ब्लिंकर सिग्नल होता है वो चीज इसमें है नहीं, लेकिन ABS इसमें काम करेगा। मीटर घूर रहा है इसका मतलब ABS भी काम करेगा। तो गाइस देख पाए मीटर का एक्सपेरिमेंट। तो BS4 का, अगर BS4 का ABS वाला मीटर अगर ना मिले तो फ्रेंड्स ये नॉन ABS वाला मीटर भी इसमें काम करने लग जाता है, ठीक है। तो गाइस देख पाए ये मीटर काम करने लग गया, सारा चीज इसमें वर्क करने लग गया। तो आप लोग के पास में फ्रेंड्स ऐसा प्रॉब्लम अगर जब भी आए तो नॉन ABS वाला भी मीटर लगा करके इसमें चलेगा। और फिलहाल खाली ये कि नॉन ABS वाला जो सिग्नल है, ABS वाला सिग्नल इसमें नहीं आएगा, बाकी सारा चीज इसमें वर्क कर रहा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो अच्छे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।